नमस्कार प्रधानमंत्री जी नमस्कार जी uh, मैं आर जे विश्वती हूँ रेड एफ से मॉर्निंग शो करती हूँ और बहुत ही गर्व से ये बात कहना चाहती हूँ कि पहली बार इस देश को ऐसा लीडर मिला है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूथ यंगस्टर की फॉलोअरशिप है वो और वो आप है एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई क्वेश्चन कि uh, रोज़ सुबह शो में कई सारे ऐसे यंगस्टर से बात होती है ऐसे स्टूडेंट से बात होती है जो ये कहते हैं कि टीवी पे जो पॉलिटिकल डिस्कशंस चलते हैं जो डिस्कर्स होते हैं जो डिबेट्स होती हैं उससे बहुत कंफ्यूज फील करते हैं ऐसे बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि वो किस दिशा में जाएं और सिंपल शब्द कि किसको वोट दें तो उन सारे फर्स्ट वोटर्स को या तो ऐसे यंग वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे ये बात सही है कि हमारे देश में हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है हमारा लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दलों की मानसिकता अभी भी बहुत पुरानी है और इसलिए लगातार डेवलपमेंट के मुद्दों पर डिबेट हो सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं अपेक्षाओं के संदर्भ में डिबेट हो रेल रोड बिजली पानी सड़क इन सारी चीजों में चर्चा हो लेकिन दुर्भाग्य से हमारे विरोध में बैठे हुए लोग उनके लिए मुद्दों पर बहस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर वो कहेंगे एग्रीकल्चर में क्या हुआ तो आंकड़े बताएंगे कि मोदी ने तो पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया रोजगार में क्या किया तो मोदी ने पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया नई नई योजनाओं को ले गए तो कहेंगे मोदी से ज्यादा हो गया तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है और इसलिए दुर्भाग्य से हमारे देश के जिम्मेवार दल भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है उनका एक ही मुद्दा है एक ही मुद्दा है कौन सा मुद्दा है मालूम है कौन सा मुद्दा है उनका एक ही मुद्दा है मोदी वो सुबह उठते ही मोदी 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 से शुरू हो जाते रात को भी पता नहीं उनको नींद आती होगी नहीं आती होगी उनके लिए मुद्दा मोदी है हमारे लिए मुद्दा सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपने हैं उनके लिए मुद्दा मोदी है हमारे लिए सवा सौ करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षा है उनके लिए मुद्दा मोदी है हमारे लिए हमारे देश के किसान को ताकतवर बनाना हमारा मुद्दा है उनके लिए मोदी मुद्दा है हमारे लिए जो शहर को है वो गांव को मिलना चाहिए उस सुविधाओं को ले जाने का हमारा प्रयास है उनके लिए मुन्दा मोदी है हमारे लिएट हंड्रेड मिलियन नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए उनके अवसरों को पंख देने के लिए ऐसी योजनाओं को लाना ये हमारी दिन रात की चिंता और विषय है उनके ये नहीं है और इसलिए किसी भी ऐसे नौजवान का कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है लेकिन आज स्थिति वो नहीं है कुछ बदलाव है पहले ये टीवी हो अखबार हो जो परोसते थे आपको वही लेना पड़ता था अब आपके मोबाइल फोन पर पूरी दुनिया है आप वेरीफाई कर सकते हो इंक्वायरी कर सकते हो कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है आराम से कर सकते हो आप, आपने आपको पता होना चाहिए आप एक साथ तीन अखबार लेकर के बैठिए एक खबर एक अखबार में एक पहले पेज पर होगी दूसरे में तीसरे पेज पर होगी चौथे में एक कोने में कहीं कोने में पड़ी होगी तो आपके मन में उठना चाहिए कि ऐसा क्यों अगर खबर इतनी इनके लिए महत्वपूर्ण थी तो इनके लिए बेकार क्यों है तो फिर पता चल जाएगा कि किस अखबार का क्या स्वभाव है आपको मुश्किल नहीं होगा आप टीवी चैनल भी तीन चार देख लेंगे तो पता चलेगा एक ही खबर को ये ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है। तो आप आराम से और मैं मानता हूं हमारे देश की नई पीढ़ी के जो नौजवान है जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनमें ये महारत हमसे भी ज्यादा है वो मोबाइल फोन पर सारी दुनिया खोज करके वो गूगल गुरु के विद्यार्थी हैं वो गूगल को पूछेंगे बताओ भाई ये मोदी को ऐसा कह रहा है सच क्या है उसको पांच मिनट में मिल जाएगा मैं चाहता हूं देश की युवा पीढ़ी खबरों को बराबर बारीकी से एनालिसिस करने की आदत बनाए किसकी खबर सही निकलती है उसका एक खाका बनाए और वो विश्वास हो जाएगा कि किस रास्ते पर चुनना है लेकिन परिवारवाद वंशवाद जातिवाद संप्रदायवाद भ्रष्टाचार ऊंच नीच का भाव ये सारी चीजों ने देश को बर्बाद किया है उससे जो मुक्ति दिलाता है और जो देश को आगे ले जाने के लिए सोचता है उसी के साथ चलना चाहिए ये भाव हमारी नई पीढ़ी में होना चाहिए हमारे फर्स्ट टाइम वोटरों ने आपातकाल क्या था हिंदुस्तान को जेलखाना बना दिया तो उसको पता नहीं है हमारे फर्स्ट टाइम वोटर को मुझे तो मालूम है गुजरात में जो वोटर अभी बने उनको पता ही नहीं था कि पहले भोजन करते समय बिजली नहीं आती थी जब तक मैं मैं प्रधान मुख्यमंत्री बना गुजरात में 2001 में तब सबसे पहले लोगों ने मेरे से क्या मांग की थी मुझे फूल गुलदस्ता देने आते थे नया नया मुख्यमंत्री बना था तो परिचय करते थे हम उस जिले से आए हैं आपको बहुत शुभकामनाएं आप मुख्यमंत्री बन गए फिर धीरे से कहते हैं साहब एक काम करो मैं कहता हूँ क्या साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतना करो ये दिन थे गुजरात के आज चौबीसों घंटे बिजली मिल रही है लेकिन उस समय जो तीन साल का बालक था उसको मालूम नहीं है कि उसके मां बाप को अंधेरे में गुजारा करना पड़ा था और इसलिए ये नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि देश को सत्तर साल कैसे लूटा गया कैसे बर्बाद किया गया है और पहली बार ये पांच साल में इस बर्बादी से बचाने की कोशिश हो रही है अभी भी मैं ये नहीं कहता तो मैंने सब कर लिया है मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया है लेकिन किया है वो सही दिशा में किया है सही करने के लिए किया है और अपनी चमड़ी बचा कर कर नहीं किया है जी जान से किया है खुद को दांव पे लगा कर किया है और मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं न मैं रुकने वाला हूं ना मैं थकने वाला हूं न ही झूठ के सामने कभी झुकने वाला हूं मेरा सर झुकता है एक ही जगह पे सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के आगे और मेरा कोई रिमोट कंट्रोल है तो सवा सौ करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है मैं उन्हीं को समर्पित हूं उनके सपनों को समर्पित हूं और उन्हीं के लिए काम करने का निर्णय कर करके मैं चला हूं